आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व बीजेपी महिला मोर्चा नेत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में पूर्व सीपीएस नीरज भारती को बीसीएस में रोककर महिला पुलिस थाना बीसीएस में पूछताछ हो रही है। नीरज भारती के खिलाफ ढली पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ है और उन्हें तलबी आदेश पर ढली थाना में तलब किया गया था। ढली को जाते समय उन्हें बीसीएस चौक पर ही रोक दिया गया, जिस पर नीरज भारती ने एतराज जताया है। बीसीएस चौक से फेसबुक पर लाइव होते हुए नीरज भारती ने कहा कि वह कानून का पालन करते हुए ढली थाना जा रहे थे, लेकिन उन्हें बीसीएस चौक पर ही रोक लिया गया। उन्होंने बीसीएस चौक पर तैनात महिला एएसआई के बर्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उक्त महिला एएसआई उनसे इस तरह बर्ताव कर रही थी जैसे वो कोई अपराधी हो। इसके अलावा उनकी गाड़ी की चाबी छीनने की भी कोशिश की गई। मुझे जो है वो बीसीएस चौक वहां पर इन्होंने रोक दिया है। फिलहाल तो गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी कि राजनीतिक दबाव के चलते अगर पुलिस प्रशासन उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है तो इसके परिणाम आने वाले समय में उन्हें भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद नीरज भारती को गाड़ी से उतार कर महिला पुलिस थाना पूछताछ के लिए ले जाया गया। शासन को भी चलेगा, पुलिस को भी चलेगा, सरकार को भी चलेगा, पर अगर गुंडागर्दी से और सरकार का प्रेशर और पुलिस वालों का प्रेशर डालकर अगर ये कुछ साबित करना चाहते हैं तो उसके परिणाम जो आने वाले समय में होते पड़ेंगे। पुलिस प्रशासन के अनुसार ढली थाने में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी होने के कारण सुरक्षा प्रबंधों के चलते नीरज भारती से बीसीएस में ही पूछताछ की जा रही है। फतेहपुर कांगड़ा से आपका चैनल के लिए रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।